आप जानते हो पूरा मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी लगनी चाहिए, इस पूरे मामले में सबसे समझदारी का बयान किसने दिया है? आपकी स्क्रीन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि क्या इस देश में मुद्दे नहीं हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता राम कदम कह रहे हैं कि रुपये में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाए। वाह साहब वाह। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश के सामने कई मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की आकांक्षाएं, उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। देश के बड़े लोगों को मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं और फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। गणेश की फोटो की मांग की है, उस पर विरोध में बीजेपी ने कहा है कि मोदी की फोटो होनी चाहिए। ये देखिए कौन किस मामले में बोल रहा है, बोलते रहने दीजिए, लेकिन राजनीति जो होनी चाहिए असल मुद्दे पे होना चाहिए। असल मुद्दा क्या है? गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान का मामला, मजदूर का मामला, देश की आर्थिक स्थिति। हमको लगता कि जितने वरिष्ठ नेता हैं जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं, उनको इस मुद्दे की बात पे सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें। हमको देखिए काम से मतलब हमारी जनता को है, कौन किसका फोटो लगेगा नहीं लगेगा उससे क्या सुधार होने वाला है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है राष्ट्र की, तभी सुधरेगी ना जब लोग काम करेंगे, इस पे बहस करेंगे, कमियों को उजागर करेंगे और उसका निदान करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, आईटी से पढ़े हुए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो क्या आलोचना करता है? दसवीं पास हैं, पढ़ाई भी नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने क्या वादा किया था? कि अच्छी राजनीति करेंगे, नई किस्म की राजनीति करेंगे। और अब गुजरात में चुनाव जीतने के लिए और उनके एक मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर की 22 शपथ क्या ले ली, अरविंद केजरीवाल इतने दबाव में आ गए कि अब वो नोटों में लक्ष्मी और गणेश की बात करने लग गए। वो भूल गए कि उन्होंने संविधान को हाजिर नाजिर जानकर शपथ ली थी। वो भूल गए कि इस देश में धर्म निरपेक्षता एक अभिन्न अंग है। वो भूल गए कि आपको वोट्स मुसलमानों और सिखों ने भी दिए। जब आप नोट के अंदर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर की बात कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमानों के धार्मिक चिन्ह या फिर सिखों के धार्मिक चिन्ह या ईसाइयों के धार्मिक चिन्हों को भी लगाने की बात करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो बात यहां पर तेजस्वी यादव ने कही है ना, वो निहायत ही समझदारी की बात है। और तेजस्वी यादव ने उतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की जितनी पढ़ाई लिखाई अरविंद केजरीवाल ने की है। अब इनसे मिलिए, राम कदम, ये तो और दो कदम आगे निकले। आपका नाम राम कदम नहीं, राम दो कदम होना चाहिए। इन्होंने तो यह कह दिया कि साहब रुपए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो। मैं जानता हूं कि इस देश की आर्थिक स्थिति, पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सरकार ने, मगर क्या प्रधानमंत्री को उसके लिए इस तरह से सम्मानित किया जाए कि नोटों में उनकी तस्वीर लगा दी जाए? यानी कि हालात जो है दोस्तों, बद से बदतर होते जा रहे हैं, वाहियात होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पूरे मामले में सबसे समझदारी की बात अगर किसी ने की है तो वो तेजस्वी यादव ने की है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिर क्यों राजनीतिक दल नोटों में बाबा साहब अंबेडकर, लक्ष्मी, गणेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सावरकर, अरे राम कदम ने तो माफी वर्कर की तस्वीर लगाने की बात कर डाली। तो किस तरह से मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है, आपके सामने ये पूरा विवाद एक जीती जागती मिसाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब राजनीतिक दल धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो मुद्दों से बचने का किसे मौका मिलेगा? राजनीतिक दलों को, क्योंकि आम इंसान के क्या मुद्दे हैं? रोजी रोटी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं। मगर जब आप धर्म का धतूरा चटा देंगे, जब आप नोटों में लक्ष्मी गणेश जैसे मुद्दों की बात करेंगे,
तो राजनीतिक दलों को बचने का रास्ता मिलेगा। मैं यही बात अरविंद केजरीवाल जी से कह रहा हूं, आप क्या थे और क्या हो गए। और यह बात तो अलग है दोस्तों, एक नफरती चिंटू है अंबानी के न्यूज चैनल में बतौर एंकर है। आपको याद होगा कल ही मैंने शो किया था कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अंबानी के न्यूज चैनल पर 50,000 का जुर्माना लगाया और एक नफरती शो को हटाने का फरमान जारी किया। क्यों? क्योंकि यह एंकर हिजाब का समर्थन करने वाले लोगों को अलकायदा से जोड़ रहा था, यानी कि आतंकवादी बता रहा था। आप जानते हैं चूंकि आम आदमी पार्टी अब लक्ष्मी और गणेश की बात कर रही है और जो पापा का गुल्लू है वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अब वो अपने चैनल में ये कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और देवी देवताओं पर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप। सुनिए क्या कह रहा है, बहुत ही हास्यास्पद बात है क्योंकि इसके मुंह से धर्मनिरपेक्षता की बात करना कुछ बहुत ही अटपटा लगता है। सुनिए क्या कह रहा है। आपत्ति करेगा कि जीसस की फोटो हो, ये आपत्ति करेंगे काबा हो या किसी और की तस्वीर हो। इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म संभाव, सभी समान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म की आराध्य की फोटो कैसे, आप सवाल समझ रही हैं? इस तरह के एंकर्स के ढेरों शोज हैं जहां ये लोग सेक्युलरिज्म को गाली दे रहे थे, धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहे थे। मगर आज चूंकि धर्मनिरपेक्षता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करना आसान है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक तुरुप का पत्था फेंक दिया है धर्म को लेकर, इसलिए अब इनके जो चाटुकार एंकर हैं वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। अब तक जो तुम तमाम कार्यक्रम करते आ रहे हो पिछले कई दिनों से, कई जिसकी वजह से तुम पर FIR भी दर्ज हुई है, झूठ बोलने पर, दंगे करवाने की साजिश करने पर, क्या उनमें सेक्युलरिज्म था? क्या उनमें धर्मनिरपेक्षता थी? तुम जो आए दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्राइम टाइम में जहर बांटते हो, क्या उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता थी? आज तुम धर्मनिरपेक्षता की दुहाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नोट विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एम्बैरेस हो रही है, उसके लिए वो शर्मिंदगी का सबब बन रहा है, उसके खिलाफ किस तरह से राजनीति की जाए उसे सूझ नहीं रहा है। तो बहुत ही अजीबोगरीब माहौल है दोस्तों, और इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि इस मामले में सबसे समझदारी वाली बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।